यहाँ पे है, एक माइक्रो उजी वहां पे रौनक को मिल चुकी थी, एक एम यहाँ पे ओवेस के पास भी है, लेजी सर के पास भी है, एक एम, बट इनके पास लेवल 2 का हेलमेट भी है। देखते हैं अब क्रॉस ईयर्स किसके यहाँ पे चलते हैं, बट लेजी सर यहाँ पे वेट करके दो प्लेयर उनके पास आने की कोशिश करें, बट यस यहाँ पे माइक्रो उजी है उनके पास, एक प्लेयर का नॉकडाउन निकाल पाएगा बट नहीं विदाउट एनी लॉस, फ्लैटिक यहाँ पे एक प्लेयर नॉक एंड फिनिश करेगी डी का लेजी सर, यहाँ पे वाडू सर भी फिनिश हो गया स्काउट के द्वारा। डबल बी करना हमेशा आपको एडवांटेज देगा और यहाँ पे स्काउट एक और प्लेयर को स्पॉट करते हुए, बट फनाटिक के प्लेयर्स की हेल्थ थोड़ी कम थी जिसकी वजह से वाडू सर फायदा उठा देंगे, दो नॉक्स निकालेंगे अपनी टीम के लिए, स्काउट को स्पॉट आउट कर चुके हैं जो कि पीछे से चार्ज इन कर रहे थे। और यूआई पे आप एक बहुत अच्छी चीज देख रहे होंगे जो आएगी हमारे को और ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, अब आप डैमेज देख सकते हैं, ये रियल टाइम डैमेज स्टार्ट होंगे, हर एक गोली जो चलेगी अगर किसी को हिट करेगी तो यहाँ पे हमें पता चलेगा। स्काउट ऑलरेडी एक किल के साथ 221 का डैमेज ले चुका है एंड सामने वाडू सर ओके सामने दिख रहे हैं हम लोगों को, अभी भी शिफू सर देखते हैं वहां पे किस तरीके का ये गेम प्ले दिखाते, बट ओवेस एंड एश को फिनिश कर चुके हैं ये दोनों की दोनों, ये फाइट देखते हैं किस तरीके की बनेगी, बिकॉज यहाँ पे रौनक उनके पास तो चलो ठीक है एकेएम है बट उनके पास हेलमेट नहीं है, यहाँ पे शिफू सर के पास भी हेलमेट है जो कि बहुत एक बड़ा फैक्टर बन जाता है, दोनों टीम्स दो दो प्लेयर के लॉस में एंड 2-2 सिचुएशन यहाँ पे ऑलरेडी बूट कैम में बना हुआ है, स्काउट के पास हालांकि लेवल 1 का हेलमेट है बट रौनक को दिक्कत आएगी बिकॉज एकेएम की एक बुलेट है, ही विल गेट नॉक्ड। केतन हमने एक चीज के बारे में काफी बार बात करी है, हर एक टूर्नामेंट जब भी हम लोग कास्ट करते हैं जो लोअर स्टैंडिंग्स की टीम होती है जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, खत्म होने वाला होता है इनफैक्ट, देखो योलो क्या ये डीई का योलो प्ले है क्योंकि अब फनाटिक को 1v1 की सिचुएशन में ला चुके हैं, रौनक के पास हेल्थ एडवांटेज रहेगा, वाडू सर की हेल्थ कम है और हेलमेट जैसा बताया था वो भी नहीं है, तो दोनों ही प्लेयर्स को काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, जिसका पहले यहाँ पे हेड कनेक्ट हुआ वो सामने वालों को नीचे गिरा सकता है। बट एक चीज बैरल M762 की ना जो आयरन सेट है वो भी थोड़ी सी बेटर नहीं लगती है प्लेयर्स को भी, अगर आप नॉर्मल गन की तरह यूज करें, अगर रेड डॉट थोड़ा सा बेटर लगता है उसको यूज करना है, थोड़ा सा मिड रेंज की बात करें, रौनक वहाँ पे चले गए अपने प्लेयर को रिवाइव देने के लिए, सो एज डी के वाडो सर भी यहाँ पे अपने प्लेयर को रिवाइव देंगे, शिफू सर होंगे यहाँ पे रिवाइव, सामने से रौनक भी टीपी प्लेयर एंड सेम गोज विद वाडो सर ऑल्सो, वो भी यहाँ पे पेशेंटली वेट करेंगे, स्काउट को फिनिश करने का सोचा था वाडो सर ने बट वो ऑलरेडी कवर में चले गए थे उस टाइम तक, बट देखते हैं फोर्स टेड और यहाँ पे किस टाइप का कवर है, थोड़ा सा फॉल बैक करने की कोशिश वाडो सर की, 50% एक्सपोजर के शिफू सर आप वापस से नॉकडाउन हो चुके हैं, पुश करना पड़ेगा यहाँ पे वरना दिक्कत आ सकती है बिकॉज फिनिश यहाँ पे शिफू सर होते हुए नजर आएंगे, स्काउट एंड रौनक फिनिश करेंगे उन्नो एंड वाडू सर, क्या फॉल बैक कर सकते हैं यहाँ से, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा ये जो कि 1v1 की सिचुएशन थी जहाँ पे वाडू सर फिर भी ट्रेड निकाल सकते थे, अब वो सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है क्योंकि स्काउट भी अपने कदमों पे आ चुके हैं और धीरे धीरे हील करके एक ऐसी पोजिशन में लगने की कोशिश करेंगे जहाँ से वो ये डीई के जो आखिरी प्लेयर है उनको इस गेम से बाहर निकाल सके। अभी फनाटिक के प्लेयर स्लोली कॉम्पाउंड टू कॉम्पाउंड यहाँ पे मूव कर रहे हैं और स्पॉट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वाडू सर को यहाँ पे एक और फर्स्ट एड मिलता हुआ यूज करने की, टीपीपी ले रहे हैं अभी, कोशिश कर रहे हैं कि जो साउंड क्यूज उनको आ रहे हैं पावर हाउस के प्लेयर्स की तरफ से किसी को स्पॉट आउट कर सके ऊपर चढ़ते हुए, तो फिर अपनी टीम के लिए एक ओपनिंग निकाल सके हुए थे डी शिफू सर को, अभी तक आई डोंट थिंक सो उन्होंने कोई ज्यादा डैमेज देने की और सोची, अभी तक उनके पास एक बार बहुत ज्यादा पीछे रौनक यहाँ पे टैग पड़ता हुआ, क्या नॉकडाउन होंगे बट नहीं, ही बेली सर्वाइव प्रोन अच्छा खासा देखने को मिला, एक अच्छा रिफ्लेक्स था वहां पे, ओवेस यहाँ पे चार्ज इन करने की कोशिश करेंगे, एक प्लेयर जो नॉक करा था अभी तक किल कंफर्मेशन नहीं देखने को मिला, बट लेजी सर अपनी वैन के साथ आगे गए, ओवेस ने उन्हें स्पॉट जरूर करा बट नॉक में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, बट यस यहाँ पे 1 HP बचे वैन पे पीछे, बट ये स्काउट ने एक और नॉक निकाली इस वाली फाइट में, अब यहाँ पे उनको सपोर्ट चाहिए बाकी और प्लेयर्स यहाँ पे अगर क्लोज इन करे, ओवेस वहां पे ऑलरेडी राइट साइड पे है उनके लिए, लेफ्ट हैंड साइड में है पीछे रौनक एंड एश यहां पे नॉकडाउन होते हुए नजर आएंगे, यस इविल आई का करारा चाटा पड़ता हुआ फनाटिक एश के सर पे, बट ये फाइट स्काउट के लिए भी है बिकॉज उनके पास बोल्ट एक्शन भी है, एक जवाब यहाँ पे दे सकते हैं, ओवेस देखते हैं एक अगर नॉक इन्होंने भी निकाला तो डी का स्कॉल बहुत दिक्कत में नजर आ जाएगा, बट यहाँ पे कापसी को नॉकडाउन करा स्काउट ने अगेन, ये प्लेयर रुकने नहीं वाला, ये प्लेयर एक मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, कार98 नजर आई है M416 के साथ तीसरा नॉक नजर आया है, एक और अलग फाइट के साथ यहाँ पे इन्होंने एंगेज करा बट ओवेस ने यहाँ पे पैन करके लेजी सर को इस वाले मैच से बाहर करा। फनाटिक काफी बेहतरीन शेप में इस मिरामार के मैप के लिए लग रही है एंड
मिरामार ऑब्वियसली काफी ज्यादा बढ़िया डायनेमिज्म लेकर आता है जब आप फाइट करते हैं। स्काउट आगे मूव करते हैं बगी के साथ, ओवेस भी आगे मूव कर चुके हैं, एश भी स्लोली स्टेडली आगे मूव करते हैं। आई गेस अब उनको पता है उनके सामने जो टारगेट है उनको फिनिश ही करना पड़ेगा, उनको धीरे धीरे आगे मूव करते हैं जस्ट टू हंट डाउन एंड हंटिंग सामने शुरू हो जाएगी। स्काउट ने वापस स्पॉट किया, स्काउट को लेकिन नॉक किया जा चुका है शिवू सर के द्वारा। ऑन द अदर साइड रौनक भी नॉक हो चुके हैं, यहाँ पर दो प्लेयर्स फनेटिक के नॉक हो चुके हैं एंड साथ के साथ फिनिश भी करना चाहेंगे एंड अभी यहाँ पर पंच करके फिनिश किया जाता है यहाँ पर शिवू सर के द्वारा। 522 का 544 का ऑलमोस्ट डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, 550 डैमेज मूव करते हैं ओवेस आगे मूव करते हुए। उनको फाइट सारी अपने हाथ में अभी लेनी पड़ेगी। डी शिवू सर भी स्पॉट करना चाहेंगे प्लेयर्स को एंड आगे जाकर ये भी पैन कर रहे हैं अभी के लिए एंड फिनिश करना चाहेंगे। बट यहाँ पे पैन करना मुश्किल पड़ेगा, बट यस इसी चीज की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे पैन करने जरूर कर, बट पीछे से ओवेस ने एक करारा जवाब दिया। काश वहां पे दूर से ही अगर नॉक एंड फिनिश करते अपनी गन के द्वारा तो यहाँ पे वो खुद लॉकडाउन ना होते। बट ओवेस इज लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर हिज स्क्वाड, बट फनाटिक ने इतने नॉक्स निकाले थे उसमें सिर्फ एक ही ऐसा किल है जो कन्फर्म हुआ है। रिवाइवल मिल रहा है वहां पे, मॉन्ग सर रिवाइव दे रहे हैं शिफू सर को, जोन का डैमेज हालांकि पड़ेगा बट ओवेस वॉन्ट टू मेक श्योर बिकॉज ये जो फाइट है ये अब ईगो वाली फाइट आ चुका है जहां पे पैन से फिनिश करा गया था स्टार्टिंग में उसका फिर से फिनिश करा गया एंड यहां पे वापस से ओवेस ने एक और यहां पे नॉकडाउन निकाल दिया। क्या एकेएम का यहां पे थोड़ा सा असिस्ट लेना चाहेंगे बिकॉज़ M4 और 6X यहां पे इस रेंज में डैमेज भले ही देगी बट एकेएम थोड़ी सी बेटर गन है इस वाली रेंज में एंड देखते हैं यहां पे बॉन्ग सर के पीछे एक अगर ग्रेनेड यहां पे ओवेस डाल देते तो उस ट्री का कवर छोड़ के बाहर निकलेंगे। एक बेट यहां पे करना चाहेंगे ओवेस बट देख यस इस ग्रेनेड की मैं बात कर रहा था, अगर ट्री के पीछे अगर वो फुल कुक करके ग्रेनेड फेंकेंगे बॉन्ग सर यहां पे पूरे फिनिश हो जाएंगे। बट एक जो गलती वहां पे करी वो पैन करने के लिए गए, वो फर्स्ट करने के लिए गए, उसी के चलते यहां पे डी का स्क्वाड ये भुगतान अपने ऊपर ले रहे हैं। यहां पे ओवेस यहां पे फॉल बैक कर सकते हैं बिकॉज ये अब फाइट ईगो की नहीं आती बिकॉज यहां पे पोजीशन पॉइंट्स की भी आती है, बट एक क्या पॉइंट यहाँ पे लेने के लिए जाना चाहिए इन्हें? आई थिंक अभी के लिए सर्कल में जाने एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है ताकि आप अपनी टीम को थोड़ा और आगे तक लेकर जा सके। अगर यहाँ पर का फोर्थ सर्कल आएगा, फोर्थ सर्कल का डैमेज थोड़ा ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा एंड अब स्पॉट किए जा सकते हैं। जी के मॉन्ग सर आ चुके ओपन एरिया में एंड वो पीछे की तरफ को मूव करते हैं, ओवेस के पास एक अच्छा खासा किल लेने का चांस यहाँ पर हो सकता है। एक हायर एरिया भी ओवेस के पास है लेकिन सर्कल का डैमेज भी ज्यादा से ज्यादा पड़ता है, यही चीज की हम बात कर रहे हैं। सर्कल का डैमेज पड़ता रहेगा इवेंचुअली एंड सर्कल के अगेंस्ट जाना थोड़ा मुश्किल कर सकता है। बैंडेजेस का रेगुलर एप्लीकेशन करते हुए मॉन्ग सर एंड ये ग्रेनेड आगे की तरफ को गया है, आई थिंक ग्रेनेड थोड़ा सा यस आगे की डायरेक्शन में गया था लेकिन अब बैंडेजेस का ही पूरा का पूरा खेल आ जाता है दोनों के दोनों प्लेयर्स के बीच में। जो प्लेयर यहां पर बचा कुछ ओवेस की हेल्थ कम है ऑलरेडी एंड मॉन्गसर की हेल्थ थोड़ी सी ज्यादा है एंड बैंडेजेस 7-0 मॉन्गसर के पास, अब कुछ नहीं बचता इस फाइट के लिए। बट ये वाली फाइट ओवेस अपने नाम लेके जा सकते हैं, यस उन्होंने अपनी फर्स्ट एड पॉप इन कर लिया बट सामने से गन थी उनके हाथ में, ओवेस गॉट नॉक्ड आउट ऑफ दिस।